लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एनडीए के सहयोगी दल जो भी जहां नामांकन कर रहे हैं वहां चिराग पासवान की मौजूदगी जरूर रह रही है। उसी क्रम में चिराग पासवान एनडीए के प्रत्याशी भाजपा के संजय जायसवाल के नामांकन में चिराग पासवान पश्चिम चंपारण पहुंचते हैं और देखिए किस तरीके से चिराग पासवान को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। साथियों कहीं ना कहीं चिराग पासवान की पॉपुलरिटी से ही चिराग पासवान के काबिलियत से ही एनडीए गठबंधन भाजपा के नैया पार हो रही है बिहार में। साथियों कहीं ना कहीं इसका नज़ारा बिहार भर में देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं चिराग पासवान की पॉपुलरिटी बिहार में इतनी छा गई है उसी की बदौलत कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नैया एनडीए गठबंधन की बिहार में पार हो रही है। साथियों नहीं तो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गया था। ये चिराग पासवान से एनडीए गठबंधन की अलायंस हो जाने के कारण पूरी तरीके से एनडीए बिहार में लड़ाई लड़ रहा है। नहीं तो चिराग पासवान की गैर मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बिहार में धराशायी हो जाती। साथियों क्योंकि चिराग पासवान एक ऐसे नेता हैं जो पॉपुलर छवि के भी हैं और कहीं ना कहीं चिराग पासवान के दीवानगी और चाहने वालों को भी तादाद बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में चिराग पासवान आज नामांकन में जो कि विजय रथ इसका नाम दिया गया था पश्चिमी चंपारण से संजय जायसवाल जो भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं उनके नामांकन समारोह में चिराग पासवान शामिल होते हैं। तमाम जो एनडीए गठबंधन के नेता हैं वो भी शामिल होते हैं लेकिन चिराग पासवान की पॉपुलरिटी ने ही भारतीय जनता पार्टी के नैया बिहार में पूरी तरीके से पार हो रही है। साथियों लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने जिस तरीके से आरक्षण को लेकर बयान दिए थे वो बयान चिराग पासवान की काफ़ी सुर्खियों में है लेकिन चिराग पासवान की संख्या के बदौलत कहीं ना कहीं देश की संसद में पूरी तरीके से चिराग पासवान की दबदबा रहेगी। कहीं ना कहीं चिराग पासवान की अगर संख्या कम होती है लोकसभा में तो चिराग पासवान के साथ कुछ भी हो सकता है। कहीं ना कहीं आरक्षण और संविधान को लेकर जो एनडीए गठबंधन पर इंडिया गठबंधन की जो आरोप लगाए जा रहा है कि संविधान बदला दिया जाएगा और आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाएगा कहीं ना कहीं चिराग पासवान की अगर लोकसभा में संख्या कम होती है तो चिराग पासवान इसको रोकने में पूरी तरीके से विफल नजर आएंगे। साथियों लेकिन अभी तक से चिराग पासवान पूरी तरीके से दलितों को विश्वास दिलाने में लगे हुए हैं कि चिराग पासवान जब तक जिंदा है तब तक ना आरक्षण खत्म है और ना संविधान खत्म है। देखिए साथ चिराग पासवान के दायरे में कितना होता है दम। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद जय बिहार।